जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले हैं और जो इन लोगों द्वारा बताया गया है उसके आधार पे जो प्राथमिकी में नामजद लोग हैं, कपूरा है, भटपूरा है, गोरख राय, उनकी संलिप्तता भी इस घटना में प्रकाश में आई है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की भी, जो उस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनकी भी घटना में जो है संलिप्तता की बात आई है। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। पटना में बीते 31 जुलाई को हुए पार्षद पति नीलेश मुखिया गोलीबारी मामले में पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें दो शूटरों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इनके पास से दो देसी पिस्टल और कई मैगजीन को भी बरामद किया है। दरअसल इस पूरे मामले की बात करें तो वो उस बाइक को भी पटना पुलिस ने बरामद किया है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों बाइक अपराधी रेकी करते हुए दिखे थे और लगभग 5 अपराधी इसमें शामिल होने की बात कही जा रही थी। वहीं पटना पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि इस पूरे मामले में कुल 6 अपराधी शामिल थे। वहीं इसमें अगर बात करें तो नामजद FIR में नामजद लोग पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय पर भी पुलिस ने पुख्ता मुहर लगा दिया है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं शूटरों को इसकी सुपारी देकर हत्या की पूरी साजिश करवाने का इल्ज़ाम लगा है। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर रहे हैं पटना SSP राजीव मिश्रा, आइए सीधे सुनवाते हैं। 31 जुलाई को नीलेश कुमार उर्फ नीलेश मुखिया को पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत गोली मारी गई थी। उस संबंध में पाटलिपुत्र में केस अंकित हुआ था। उसी के कांड के उद्भेदन के लिए CTSP मध्य और SDPO लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें SHO पाटलिपुत्र, SHO बुद्धा कॉलोनी और SHO कोतवाली, इसके अलावा जो है टेक्निकल सेल के लोग लगे हुए थे। उसी कांड का जो है सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया और दो अपराध कर्मियों को सैयद शाहनवाज एवं मोहम्मद राजा, इनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के क्रम में इनके द्वारा पूरी घटना में 6 अपराध कर्मियों की संलिप्तता अभी तक बताई गई है, जिसमें जो मोहम्मद राजा है इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो लाल रंग की अपाचे गाड़ी थी जिस पर पीछे जो शूटर बैठा था जिसके द्वारा गोली चलाई गई थी, वो मोहम्मद राजा थे। इसके अलावा जो दूसरी मोटरसाइकिल पे लोग बैठे थे उनमें मोहम्मद इमरान और उसके भाई क्योस थे। इमरान जो है गाड़ी चला रहे थे और क्योस खान जो है उसके पीछे बैठे हुए थे और इनकी राजा की गाड़ी जो है वो मोहम्मद दरबार चला रहे थे। इसके अलावा दो अन्य सैयद शाहनवाज और अजहर जिलानी उर्फ छोटू जो है इनकी संलिप्तता भी पूरे आपराधिक षडयंत्र में प्रकाश में आई है। पूरे आपराधिक घटना में ये लोग भी सम्मिलित थे, हथियार इकट्ठा करने में और वाहन इकट्ठा करने में। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी निशानदेही पर घटना में जो दोनों मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी वो दोनों मोटरसाइकिल भी रिकवर कर ली गई हैं और दो हथियार जो है अभी तक रिकवर किए जा चुके हैं। और इसके अलावा जो है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले हैं और जो इन लोगों द्वारा बताया गया है उसके आधार पर जो प्राथमिकी में नामजद लोग हैं, कपूर राय, भटपू राय, गोरख राय, उनकी संलिप्तता भी इस घटना में प्रकाश में आई है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की भी, जो उस क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनकी भी घटना में जो है संलिप्तता की बात आई है। इस संबंध में इन सभी बिंदुओं पर हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे भी आगे कोई हम लोग को अनुसंधान में क्रम में सफलता मिलेगी और लोग साथ शेयर किए। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से पटना पुलिस ने इस गोलीबारी कांड का महज कुछ चंद महीनों में ही खुलासा करते हुए ये क्लियर कर दिया है कि इस पूरे मामले में संलिप्त तीनों आरोपी पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय के साथ साथ एक और अन्य शामिल थे, जिन्होंने शूटरों को भारी रकम देकर इनकी हत्या करवाने की साजिश रची थी। फिलहाल पटना पुलिस ने इन दो अपराधियों को तो गिरफ्तार कर लिया, वहीं इसमें शामिल 4 अपराधी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसके लिए लगातार पटना पुलिस छापेमारी कर रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।